أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. آواز ہیلو ہیلو ہیلو
स्टूडेंट कल हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, आज हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इसके इनवर्स के कुछ प्रूफ्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बुक नहीं थी मेरे पास तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो लेट हो गया। मैंने कहा जो लैपटॉप से निकाल लूँ बुक। तो प्रूफ नंबर वन करेंगे हम, तो इसके कुछ चार आई थिंक तीन या चार प्रूफ्स हैं तो वो हम करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट प्रूफ है हमारे पास, डेट साइन इनवर्स, साइन यहां पे आ जाता है जी एच इनवर्स एक्स। स्टूडेंट ये हमें साबित करना है कि डेट इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। स्टूडेंट ये हमने जो है वो प्रूफ करना है, तो करते हैं जी प्रूफ। उससे पहले मुझे बता दें स्टूडेंट सारे आ चुके हैं यहां पे। स्टूडेंट जो x की वैल्यू होती है साइन h y के लिए, या फर्ज कर लें कि जो आपके पास x है वो बराबर है जी साइन h y के, ठीक है। यानी कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन आ गया x इज इक्वल टू इसके है। फर्ज कर लें कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी, या सिंपल सबसे पहले फर्ज कर लें कि y इज इक्वल टू डेट फंक्शन, ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए कि लेट y इज इक्वल टू साइन h इनवर्स x। अब स्टूडेंट जब हमने x निकालना है तो ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये उस तरफ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू साइन h y, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें इसकी वैल्यूज को, तो स्टूडेंट x बराबर होता है e की पावर में, आपने इसको लिखना है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बाय टू, ठीक है जी। क्योंकि ये साइन h एंड y है, तो y को अगर हम इस फॉर्म पे लिखते हैं तो ये चीज x के बराबर आएगी, ये साइन h y के बराबर आएगी। अब जो है हमने इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज आप लोगों ने किस तरीके से करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 2x, ठीक है। उसके बाद ये बाकी चीजों को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगी, तो हम करते हैं जी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो इसको उठा के इस तरफ लेके आए, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y, ठीक है जी। ये बन गया आपके पास। अब ये चीज जो है प्लस हो रही है, ये माइनस हो रही है, इसको भी अगर आप लोग इस तरीके से रीअरेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे उन्होंने जो रीअरेंज किया है वो इस तरीके से किया कि e को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर y को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां पे ये बन जाएगा 2 e की पावर 2x, e की पावर बन जाएगा स्टूडेंट y, इस तरफ भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y e की पावर y। स्टूडेंट मजीद हल करते हैं तो ये बन जाता है 2x e की पावर y इज इक्वल टू ये e की पावर 2y हो जाएगा, और ये जो है e की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, तो ये बना 2x e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 2y माइनस 1, ठीक है जी। स्टूडेंट जहां तक आ गया, अब इन चीजों को भी आप लोग इस तरफ लेके आते हो या इसको उठाओ इस तरफ ले आओ, इक्वल रख दो जीरो के, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा आपके पास e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने रीअरेंज कर दिया, ठीक है जी। e की पावर 2y, e की पावर y और e की पावर y के बगैर वाला। अब आपको पता है कि जब इस तरीके से हमने इसको जो है रीअरेंज कर लिया है, अब हमने क्या करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए हम क्या करेंगे जी,
तो हम करेंगे इसको ए बी और सी के बराबर रखेंगे। तो आपको पता है कि इसके साथ कुछ भी नहीं है, मीन के वन है, इसके साथ टू एक्स है और इसके साथ कुछ भी नहीं है। अब इसने एक्स को जो है वो कोएफिशिएंट नहीं मानना, मीन के एक्स को नहीं रखना वैल्यू को, हम रख रहे हैं जी ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू आपको पास आ जाएगा टू एक्स एंड सी इज इक्वल टू माइनस वन। स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसका लेना है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि उसमें पुट करना है आपने। तो e की पावर आपके पास y आ जाएगा विच इज इक्वल टू, जो कि हम e की पावर y के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर होता है माइनस बी, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा जी प्लस का, यहाँ पे देखिए ये माइनस का है ठीक है, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस का टू एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए सी। स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो गया और वन से मल्टीप्लाई होगा तो फोर बी बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस का आएगा बाई टू ए है तो टू रह जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन दोनों में से देखिए अगर तो यहाँ पे हमारे पास टू कॉमन आता है तो टू कॉमन ले सकते हो आप। किस तरीके से टू कॉमन आएगा, आप इन दोनों में से फोर कॉमन ले पहले, e की पावर y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस, ये लिया जो मैंने फोर कॉमन, ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन। फोर का स्क्वायर रूट ओपन करें, इसको बाहर ले आए, e की पावर y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस माइनस टू इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू। स्टूडेंट आप इन दोनों में से टू कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय टू। स्टूडेंट आप देखें टू टू से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आया जी e की पावर y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना आपके पास ये वैल्यू आ चुकी। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। तो वो कहता है कि e की पावर जो y है वो पॉजिटिव होती है y के लिए, इसलिए जो नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव वाले को, हमने नेगेटिव वाला यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वाला है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव वाला रखेंगे और नेगेटिव वाला डिस्कार्ड कर देंगे। ई वाई बराबर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। स्टूडेंट आई होप यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चूंकि ये बराबर है आपके पास इस चीज के, और हमने इसको किसके बराबर रखा था जी, आपको पता है कि लॉ किस चीज के बराबर होता है स्टूडेंट, अब देखेंगे ये पूरी चीज है और ये है e की पावर y, हमने y बनाना है इसका, तो स्टूडेंट इस तरह से हो e की पावर y तो दैट इज इक्वल टू लॉग, ठीक है जी, तो ये बराबर आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो ना e की पावर y इज इक्वल टू वन, तो इसको इंटरचेंज करते हैं हम, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लें, दोनों तरफ लॉग लेंगे स्टूडेंट, लॉग e की पावर y इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन, ठीक है, तो जो भी आगे रकम होगी उस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर y है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह y रखेंगे विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। नहीं स्टूडेंट, हमारे पास y किसके बराबर था, साइन h इनवर्स x के, तो इस तरीके से आपके पास लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका आंसर आ चुका। आई होप स्टूडेंट के ये फर्स्ट प्रूफ आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी तौर पे मुझसे पूछें, सेकंड और थर्ड देखता हूँ, अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो वो मैं आप लोगों के जिम्मे करता हूँ, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमने बताना था कि ये किस चीज़ के बराबर है, तो वो हमने कर लिया। आई होप स्टूडेंट ये समझ आ गया होगा, कोई भी टेंशन है इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, फिर हम बढ़ते हैं जी आगे। कोज वाला है डेरिवेटिव, आई थिंक कोज वाला तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है,
अगर तो कोज वाला कर सकते हो स्टूडेंट तो मुझे बता दें, अगर नहीं कर सकते तो मैं फिर कर देता हूँ। टेन इनवर्स वाला भी है अभी, इसी तरीके से आपने वैल्यूज को रखना है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, कर लेंगे। ये टेन इनवर्स वाला और कोज इनवर्स वाला प्रूफ कर लेंगे। जल्दी से मुझे बता दें प्रूफ नंबर टू एंड प्रूफ नंबर थ्री, अगर आप लोग कर सकते हैं तो वेल। जी टेन इनवर्स वाला जो है वो करते हैं जी, फिर उसमें देखते हैं कि टेन इनवर्स में क्या ऐसी वैल्यू दी गई है। स्टूडेंट टेन इनवर्स जो है वो हमने साबित करना है कि ये इक्वल है किस चीज़ के वाला जी, ये इक्वल है वन बाय, वेट करें एक मिनट, ये बराबर है जी वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है जी, ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना है, तो करते हैं जी। लेकिन स्टूडेंट एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना भूल गया हूं कि यहाँ पे जो हम साइन इनवर्स का ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है, उसका हम एंड पे क्या कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ले रहे थे। का डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास आता है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं और टेन इनवर्स हमने अब साबित करना है जी स्टूडेंट। और फिर उसके बाद आपके पास कोसेकंड सेकंड वो आप लोग फिर कर लीजिएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से आपने प्रूफ नंबर थ्री करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स करना है। तो इस चीज को मैं रेज करता हूँ, इसी तरीके से आपने लेट करना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को आपने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट प्रूफ है जी, यहाँ पे बुक पे लिखा नहीं हुआ कि कौन सा प्रूफ है, प्रूफ नंबर थ्री है, फोर है, टू है, तो खैर हम वैसे ही करते हैं जी। वाई को आपने सपोज कर लेना है कि ये बराबर है टेन इनवर्स टेन एच इनवर्स एक्स के। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने प्रूफ कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरीके से। ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू टेन एच वाई, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट। और इसी का डेरिवेटिव ले स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव ले, यहां पर मैं वैसे जस्ट डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो x का डेरिवेटिव dx by dy आ जाएगा। ठीक है, और tan h y का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, ठीक है, वो होता है जी सीकन h स्क्वायर। स्टूडेंट इसी तरीके से आपने इनको इंटरचेंज करते जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स का एच ऑफ एक्स हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकन एच स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू वन माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, वाई इस चीज के बराबर स्टूडेंट आ जाएगा इसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेने से, क्योंकि ये टेन यहां पर आ गया ना, सीकन एक्स स्क्वायर वाई है, तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाता है स्टूडेंट वन माइनस टेन एक्स स्क्वायर वाई। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर हम उल्ट कर दें
ये बराबर है डी एक्स बाई डी वाई के। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स कर दें, ठीक है, पहले हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब उल्ट कर दें इसको, तो स्टूडेंट ये भी उल्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 माइनस टेन एच स्क्वायर वाई। आई होप स्टूडेंट के यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये टेन एच स्क्वायर वाई किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने रखा हुआ एक्स के बराबर टेन एच वाई, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस, इस पूरे की जगह आपने एक्स पुट करना है, इसका स्केयर है तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब वाई किस चीज के बराबर रखा था, यहां पे आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स इंटू टेन इनवर्स टेन एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स के। तो स्टूडेंट ये है जी आपके पास डेरिवेटिव ऑफ टेन एच इनवर्स एक्स के, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज जो है ये एक्स से बिलोंग करती है, एक्स अगर ग्रेटर होगा वन के तो उस लिहाज से हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इसकी वैल्यू ये हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे निकालना चाहते हैं, कोट का निकालना चाहते हैं, तो कोट इसको उल्ट हो जाएगा। देखिए यहीं पे आप लोग निकाल सकते हो इसका डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट एच इनवर्स एक्स, क्योंकि वो उल्ट होता है ना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 1/x^-1। तो इस तरीके से आप कई बना सकते हो, जैसे साइन का आया था, जो साइन इनवर्स का आया था वो उसके उल्ट होगा, ठीक है, कोसेकेंट के। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो स्टूडेंट। ये थे थोड़े से प्रूफ, आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ, और देखते हैं कि कितने एग्जाम्पल हम आज कर पाते हैं, और उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह लजीज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, बता दें कर लेंगे नेक्स्ट आप लोग। और पीछे जितने भी मैंने प्रूफ्स करवाए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रूफ्स नहीं देखे हैं या कल का लेक्चर नहीं लिया है, तो वो लाजमी तौर पर कल का लेक्चर लें, और पिछला भी लेक्चर जो है वो जरा गौर से देखें, उसमें जो प्रूफ्स अहम हैं जो कि उसमें यूज होते हैं वो मैंने करवाए हुए हैं। आई होप स्टूडेंट कि वो आप लोग बड़े अच्छे से कर लेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर यहाँ पे ही करवा दूंगा जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जाम्पल, और देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर वन है स्टूडेंट, x की जगह बस इंटरचेंज कर दी है वैल्यू। अब आपको पता है कि x जो साइन h इनवर्स u फॉर एग्जांपल है तो वो किसके बराबर होगा, अब आपके जहन में वैल्यू याद हो जानी चाहिए। जैसा कि अभी हमने प्रूफ किया था वो बराबर आया था 1 प्लस उसके बाद जो है उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आई थी। एग्जांपल नंबर 1 कर रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता आप लोगों की बुक पे ये पेज नंबर कौन सा है, लेकिन आप लोगों के जो भी एग्जाम्पल नंबर 1 इससे आगे आ रही है, यहाँ पे बन रहा है जी पेज नंबर आई थिंक 68 बन रहा है जी, तो आप लोगों की बुक पे कुछ और होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की हेडिंग देता हूँ, पेज नंबर यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ये हाइपरबोलिक फंक्शन में। स्टूडेंट हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, dx by dy by dx फाइंड करना है किस चीज का, अगर y बराबर हो साइन h इनवर्स, और यहां पे x की जगह स्टूडेंट उसने दिया ax plus b। स्टूडेंट चूंकि मैंने एक प्रूफ करवाया है आपको, तो आपके जेहन में फौरी तौर पे ये आ जाना चाहिए कि जो प्रूफ हमने किया है इस वाली वैल्यू को हमने एक मानना है, तो लेट कर लें कि ये पूरी जो वैल्यू है वो u के बराबर है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू, तो ये स्टूडेंट वैल्यू बन जाएगी y इज इक्वल टू साइन h इनवर्स u। तो मैं बड़े जो है ना स्लोली समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ताकि प्रूफ भी आप लोगों को समझ आ जाए, और उससे एग्जांपल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ आ जाए। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इस वाले का डेरिवेटिव लेना है, तो स्टूडेंट डेरिवेटिव लेते हैं, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स साइन एच इनवर्स है जी यू का, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा आपके पास 1/√ आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा जी 1+u², ठीक है जी।
अब जो है आपने क्या करना है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है कि ये वैल्यू आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स बन जाए, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर नहीं है, ये हमने यू स्क्वायर पुट किया है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आप यू की जगह जो है वो उसकी वैल्यू रखनी है। तो स्टूडेंट वैल्यू रखते हैं हम यहीं पे, पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज। वैसे ये चेन रूल के मुताबिक होना था, ये हमने डी वाई बाई डी यू किया है, ये एक्स नहीं है, ठीक है। अब डी यू बाई डी एक्स भी चाहिए हमें, तो वो स्टूडेंट कहां से आएगा, वो यहां से आप निकाल लें। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि एक्स जो है वो वन हो जाएगा, वन इससे मल्टीप्लाई होके ए बना देगा और ये जीरो। इस तरीके से दो वैल्यूज आ चुकी हैं बाय चेन रूल में। इसको आप पुट करें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट डी वाई बाई डी यू का आंसर आपके सामने है, वन बाय स्केयर रूट वन प्लस यू स्केयर आ गया, डॉट ए आ गया। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट, वैल्यूज पुट कर देनी है यहां पे, वाई की जगह पुट कर दे, ठीक है। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये देखें, ये आ जाएगा ये आपके पास डी बाई डी एक्स, वाई की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं साइन एच इनवर्स ए एक्स प्लस बी, बड़ी ब्रैकेट लगा दे, विच इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा, वन बाय, देखें वन वैसे आ गया, प्लस u स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे u किसके बराबर था स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी के, तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे a है, तो ये a ऊपर भी आप लिख सकते हो इस तरीके से स्टूडेंट। तो ये आपका जो है फाइनली तौर पे आंसर आ चुका स्टूडेंट। बहुत आसान एग्जांपल्स है, वही चेन रूल बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको ये मैंने बताया हुआ कि कहाँ पे ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल और ये चेन रूल किस तरह से अप्लाई करना है। जब किसी चीज को आप इक्वल रखते हो खुद से यू के या टी के, तो दो आपके पास दो वैल्यूज बन जाती हैं, उन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, एक का यू के रिलेटिव लेना है और एक का आपने किसके रिलेटिव लेना है जी, वाई के रिलेटिव, यू के, और एक का एक्स के रिलेटिव लेना है। तो दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। आई होप कि ये एग्जांपल आप लोगों को समझ आ गई होगी। जितने एग्जांपल आप इजीली कर सकते हो वो मुझे बता दिया करें, उसको ताकि जो है टाइम वेस्ट ना हो। आगे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है और वाई बराबर है जी कोज इनवर्स, और यहाँ पे है जी सीकन एक्स दिया गया है, तो यू को आप सीकन एक्स के बराबर माने। अब यहाँ पे सीकन एक्स की वैल्यू पुट नहीं करने बैठ जाना आपने शुरू में, आपने सिंपल तौर पे पहले y को बराबर रखना है इस चीज के cos इनवर्स 1 के, फिर जो भी आगे वैल्यू दी गई है वो, और u बराबर है स्टूडेंट sec x के, u का डेरिवेटिव अलग ले लेना है, y का डेरिवेटिव अलग ले लेना है स्टूडेंट। तो dy बाय डी एक्स इस तरीके से फाइंड आउट करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं करवा देता हूँ जी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर टू आप लोग कर लेंगे, सारे बोला गया ना, तो समझ नहीं आती है कौन जो है वो जी स्टूडेंट। आगे है जी आपके 2.6, और वो हम जो है क्योंकि एग्जाम्पल शुरू किए हुई है तो एग्जाम्पल चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आगे 2.6 के बाद कितने एग्जाम्पल हैं जी हमारे पास वो देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई हैं, एक टेबल दिया गया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, अगर आप लोगों की बुक में है तो आप लोग लाजमी तौर पे देखें एक्सरसाइज 2.6 के फौरन बाद है, तो वो लाजमी तौर पे देखें अगर आप लोगों की बुक में है। तो ये है जी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक का हमने डिफरेंशिएट लिया, दूसरे का फिर ले लिया, नेक्स्ट फिर ले लिया, तो ये करते कराते काफ़ी ज़्यादा जो है हम डिफरेंशिएट ले रहे हैं। तो
तो स्टूडेंट ये अगर आप लोगों की बुक में दिया गया है तो आप लोग लाजमन देखें इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं जी एग्जाम्पल वन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ उसने कहा कि अगर वाई का डेरिवेटिव आप लेते हो तो वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लेते हो तो ये बन जाता है जी डी डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर। थर्ड डेरिवेटिव लेते हो तो ये डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री बन जाता है। तो इस तरीके से सो ऑन एन का लेते हो तो ये बन जाता है डी एन वाई बाय डी एक्स एन। यानी कि ये कुछ टर्म्स बनती हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन तक, इस तरीके से ये टर्म बनती हैं। तो आप इसको सिंपल तौर पे अगर y1 का डेरिवेटिव ले रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं उसको आप कैसे लिख सकते हो, लिखने का तरीका क्या है। ये देखें अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास y था, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है dy / dx आना है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लिया, या तो y का डेरिवेटिव इस तरह लिखो या उसको सिंपल तौर पे ले y1 लिख दो, ठीक है जी। स्मार लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, तब भी जाहिर कर सकते हो आप इसको, या आप क्या करो उसको डी वाई से नाम दे लो, ठीक है। इसी तरीके से या आप क्या करो जी नेक्स्ट इसको लिख सकते हो डी एफ बाय डी एक्स। इस तरीके से आप इसके डेरिवेटिव को जाहिर कर सकते हो स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई बाय डी एक्स, उसको आप y2 भी कह सकते हो, d स्क्वायर y भी कह सकते हो, और यहां पे आ जाएगा जी d और f स्क्वायर d स्क्वायर f y x भी कह सकते हो, ठीक है जी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब पॉलीनोमियल का हमारे पास डेरिवेटिव लिया जाता है तो किस तरीके से डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक हो गया। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह अजीज हम पॉलीनोमियल के डेरिवेटिव लेंगे और बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड हायर डेरिवेटिव ऑफ द पॉलीनोमियल। तो हायर डेरिवेटिव के जितने भी हम हमारे पास डेरिवेटिव आएंगे वो हमने लेने हैं जी, और देखते हैं हमारे पास कितने आते हैं जी। छोटी सी एग्जाम्पल है, जी तो यहाँ पे मैं रेज कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर वन। According to my book, page number is 68, ठीक है। Student value दी गई है f of x is equal to 1 by 12, x की पावर है जी 4 minus 1 by 6, x की पावर आपके पास आ जाती है जी 3 प्लस 1 बाय 4 एक्स स्क्वायर आ जाता है जी आपके पास प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया जी, आपकी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने देखना है कि इसकी कितनी हायर फैक्टर्स में वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट 4 तक आ रही है, एक्स की 4 सबसे बड़ी वैल्यू है आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 टाइम्स जो है वो डेरिवेटिव लेना है, 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स लेंगे तो x खत्म हो जाएगा सारा। तो स्टूडेंट ये पॉलीनोमियल का डेरिवेटिव है तो इसको हम f ऑफ डैश x कह देंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको मैं बाय स्टेप कर रहा हूँ। 4 शुरू में आ जाता है स्टूडेंट, तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो ये 1 बाय रह जाएगा 3, एक्स 3 रह जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात, किस तरीके से ये कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ये आपके पास बन जाएगा 3 शुरू में आया, 3 से कैंसिल हुआ, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर रह गया, 2 शुरू में आया तो ये रह गया जी 1 बाय 2, ठीक है जी, एक्स रह गया प्लस 2 और 7 खत्म हो गया। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। तो सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए आपने अगेन फिर वही शराय जो है वो रखने हैं, 3 शुरू में आया, 3 3 से कैंसिल हो गया, x की पावर बन गई 2, ठीक हो गया। इसी तरीके से माइनस ये 2 शुरू में आया, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा,
अब ये वन शुरू में आया तो ये वन बाय टू ही रहेगा और ये रह गया जी कॉन्स्टेंट जीरो, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। आप अगर चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हो, मैं जस्ट इसको इसलिए ऐसे लिख रहा हूं कि डेरिवेटिव आपको अब लेना आता है। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव ले स्टूडेंट, टू पावर शुरू में आई तो ये टू एक्स बन गया, माइनस वन बन गया, बाकी सारे जीरो क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ओनली टू, तो ये आ गया जी आपका क्या चीज बना, हाई डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसके ऊपर लेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि हायर फैक्टर यहां तक ही आपने खत्म नहीं करने, यहां पे आप लिख दें ऑल हायर डेरिवेटिव्स आर जीरो। ठीक है जी, इससे भी अगर आप लोग इसके भी डेरिवेटिव आगे मजीद लेते हो तो वो जीरो बन जाता है। तो जब तक स्टूडेंट ये जीरो नहीं बन जाता है आपने इसका डेरिवेटिव अगेन एंड अगेन लेते जाना है। वो चार दफा ले लें, पांच दफा ले लें, छह दफा ले लें, वो डिपेंड करता है पॉलीनोमियल इक्वेशन के ऊपर। स्टूडेंट आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। एग्जांपल नंबर टू देखें जरा, उसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम करते हैं जी उसको। उसमें थ्री टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री करना है। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो ये हम कर लेते हैं जी। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए? स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर टू आप लोग खुद कर लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ और देखते हैं कि इसमें उसने क्या ऐसी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ। बाकी स्टूडेंट भी जल्दी बता दिया करें, आई थिंक कि उनको शायद नींद आ रही। जी स्टूडेंट, तो एग्जांपल नंबर थ्री देखें उसमें क्या कहा उसने। इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा करने वाला है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू नहीं दी गई सारी, एक y का भी क्यूब दिया गया है। तो स्टूडेंट जब इस तरीके की होती है तो थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम बनता है। तो ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को खुद करवा देता हूँ, बाकी देख ले सेकंड भी अगर आप लोग कहते हो तो मैं वो भी करवा देता हूं। ठीक है जी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो उनको आता है क्योंकि आप वैसे सोए हुए हैं कि फाइंड डी स्क्वायर वाई, एग्जांपल नंबर थ्री है जी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमने फाइंड करना है और इक्वेशन हमारे पास है y क्यूब ठीक प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये वैल्यू आपके पास दी गई है, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट ले लें सिंपल इस इक्वेशन का, आप तो देखें क्या आता है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लें आप d ओवर dx ऑफ ये फुल इक्वेशन है जी, y क्यूब प्लस 3ax² प्लस x क्यूब इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 0। ठीक है जी, तो ये तो टर्म जीरो ही होगी स्टूडेंट। इसका जो है डेरिवेटिव किस तरीके से बनेगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 फिर लिखेंगे जी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 ए आपके पास आ जाएगा, 6 ए एक्स आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी,
प्लस आ जाएगा जी आपके पास 3x² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आई होप कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमने लिया है। अब यहां पे उसने क्या किया है, y स्क्वायर को कैंसिल किया है, लेकिन किस चीज के साथ स्टूडेंट y स्क्वायर को कैंसिल किया है इसने, थ्री कॉमन लिया स्टूडेंट उसने, क्योंकि थ्री तीनों में कॉमन आ रहा है, तो थ्री कॉमन लेने के बाद दूसरी साइड पे ले गए, तो आपके पास जो वैल्यूज बनती हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं किस तरीके से वैल्यू बनती हैं जी। जी स्टूडेंट, तो वैल्यू बनती है आपके पास थ्री कॉमन लेने के बाद ये बनता है जी 3 × y² dy/dx प्लस 2ax + x² इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी y² dy/dx प्लस 2ax + x² इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था dy/dx आपको एक साइड पे रखना चाहिए, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव तब आएगा, बाकी चीजों को सबको उठाना है आपने, दूसरी तरफ ले जाना है, ठीक है। तो ये किस तरीके से बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास, ये सारे टर्म उठाएं, पहले तो इन चीजों को उठाएं उस तरफ ले जाएं, तो ये बन जाएगा जी आपके पास y² dy/dx। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं ब्रैकेट में तो प्लस आ जाएगा फिर यहाँ पे, अगर मैं दोनों को लेके जाता हूँ तो माइनस, यहाँ भी माइनस आना था यहाँ भी, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गया फिर प्लस आ गया। अब स्टूडेंट y² मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जा रहा है, इसलिए डिवाइड हो जा रहा है, तो ये स्टूडेंट dy/dx आपके पास क्या आया, -2ax + x² / y². स्टूडेंट ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब लेना है जी आपने सेकंड डेरिवेटिव, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो dy/dx का स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास d² / dx² इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट देखिए कि डेरिवेटिव किस तरीके से लेना है, हमें नीचे है जी आपके पास y², इसका मतलब ये हुआ कि हम कोशेंट रूल लगाएंगे, तो यहां पे आप लोग लिखें जी y² का स्क्वायर, ठीक है, y² वैसे डेरिवेटिव आएगा जी आपका d/dx (-2ax - x², ठीक है, फिर माइनस की लामत आएगी, ये रकम वैसे 2ax - x² डेरिवेटिव ऑफ y², ठीक है जी। अब इनको करते हैं जी सॉल्व और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आंसर आते हैं जी। ये आ गया जी y² - 2ax का डेरिवेटिव स्टूडेंट -2a होगा, माइनस ये बन जाएगी वैल्यू आपके पास -2x, ठीक है जी। माइनस माइनस ये प्लस कर दे सारी वैल्यूज को, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आएगा जी 2ax + x², ब्रैकेट में लिख दे, y² का स्टूडेंट डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2y dy/dx, y क्या आ गया जी आपके पास y^4। स्टूडेंट ये वैल्यू जो है और बढ़ चुकी है, तो इस तरीके से आपके पास y^4 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पे वो जो dy/dx नजर आ रहा है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, और मजीद चूंकि हमने d²y/dx² फाइंड करना था और वो अभी तक नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू अभी तक आई है, इसको भी हमने खत्म करना है, तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास y² - अगर आप कॉमन ले लें यहां से, तो ये बन जाएगा 2a - 2x,
प्लस का आ जाएगा, प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू वाई। और स्टूडेंट इसकी जगह आपने क्या करना है, आपने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, माइनस यहां पे लिखे टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इसको भी ब्रैकेट में लिख दे, बटा वाई आ जाएगा, बटा आ गया जी आपके पास वाई फोर। स्टूडेंट आई होप कि यहां तक आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई है तो मुझे बता दें ताकि हम यहीं पे जो है इसको क्लियर आउट करें। स्टूडेंट एक और बात यहां पे कि इसमें से भी टू कॉमन आ रहे हैं, इसमें से देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो टू इसमें से भी हम बाहर लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी स्टूडेंट, अगर हम 2 बाहर ले लेते हैं इस तरीके से, तो स्टूडेंट आपके पास बनेगा जी ये माइनस एक्स साइड पे लिख दे, ठीक है, ये सबका हम जो है वो कॉमन लेंगे, अब माइनस जहां पे आपको माइनस नजर आ रहा है वहां पे आपने प्लस कर देना है, ठीक है, और इस तरीके से स्टूडेंट वैल्यू आएगी आपके पास टू कॉमन लिया वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स, इसमें से भी स्टूडेंट क्या आ रहा है जी आपके पास टू कॉमन आ रहा है, तो ये बराबर किसके आ जाएगी स्टूडेंट, तो ये बनेगी आपके पास टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। देखें ना ये y से कैंसिल हो रहा है, इस तरीके से बन जाएगी वैल्यू, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन जाएगा 2ax, यहां भी माइनस था तो अगर ब्रैकेट नहीं लिखते तो अगर आप देखें तो यहां भी माइनस था तो ये प्लस का बन गया है स्टूडेंट x के, बटा आ गया जी y के पावर। आई होप स्टूडेंट कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। अब हम अगर x भी कॉमन ले लें इन सब में से, देखें x अगर कॉमन आ रहा है इनमें से, देखें क्या कॉमन आ रहा है जी, देखें ना ये दोनों एक जैसी चीजें हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसका इस तरीके से माइनस टू, ये बन जाएगा जी a प्लस एक्स, रीअरेंज कर रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, तो बटा के आ गया जी आपके पास y के पावर 4। इस तरीके से स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे उसने y की पावर 2 स्टूडेंट एक और यहां पे जो है एक आ रही है हमारे पास वैल्यू, उसने क्या किया यहां पे कि y को कैंसिल आउट नहीं किया, y की जगह भी उसकी वैल्यू पुट की है जो y की थी, हमारे पास y की कोई भी वैल्यू नहीं है लेकिन वहां पे y आ रहा है 2y dy by dx आ रहा था स्टूडेंट, तो उसने क्या किया जी 2y का नीचे y स्क्वायर था स्टूडेंट, ये y स्क्वायर था, हमसे यहाँ पे एक गलती हुई है जी, एक y तो इससे कैंसिल हो गया है लेकिन एक रहता है अभी, तो स्टूडेंट यहाँ पे y है तो इसका हम जो है वो एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहां से मैं रेज कर रहा हूं, यहां पे हम एलसीएम लेंगे इसका, ये आ जाएगा जी माइनस टू इंटू, ये स्टूडेंट जब एलसीएम लेंगे तो y बच जाएगा, ये y को नीचे ले आए तो ज्यादा बेटर है, y की पावर 4 इस तरीके से बच जाएगा, तो कोई हर्ज नहीं है इस तरीके से लिखने में। तो एलसीएम आपने किस तरीके से लेना स्टूडेंट, इसके नीचे हम देखेंगे y आ रहा है, इसके नीचे नहीं है तो y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये y क्यूब इंटू ए प्लस एक्स, बाकी रकम ऐसे आ जाएगी स्टूडेंट 2ax, यहाँ पे मैं डायरेक्ट x के कॉमन ले रहा हूँ, चलिए एक दफा वैसे लिख ले 2ax प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू स्टूडेंट अभी तक आई है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम x के कॉमन ले लें और यहाँ पे y क्यूब की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दे तो आई थिंक कि ये आप लोग इजीली हो जाएगा। y क्यूब की वैल्यू अब क्या है
स्टूडेंट वाई क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन से हम बना सकते हैं, बाकी चीजों को उठा के उस तरफ ले जाएं तो y क्यूब बन जाएगा माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, ये वैल्यू आपने अब पुट कर देनी है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके पास यहां से भी x के कॉमन ले लें आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, जरा लिखवाएं इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं वो रेज कर लेता हूं, मुझे बता दें अगर आपको यहां वाइट बोर्ड फुल हो चुका है, मैं जो है वो इरेज कर देता हूं दूसरे वाला, इधर से मैं स्टूडेंट इरेज कर रहा हूं। अब ये देखें आपके पास क्या है जी, माइनस टू है, हम यहां पे कर रहे हैं डी स्केयर वाई बाय डी एक्स फाइन स्केयर, ठीक है जी, माइनस टू ऐसे आ गया, वाई क्यूब की जगह मैं उसकी वैल्यू रखूंगा और वो वैल्यू स्टूडेंट ए प्लस एक्स और वाई क्यूब की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, प्लस आ गया स्टूडेंट, इन दोनों में से एक्स के कॉमन लिया तो ये बन जाता है जी आपके पास टू ए प्लस एक्स, ठीक है जी, इसका स्क्वायर वाई आ गया जी आपके पास वाई की पावर फाइव। स्टूडेंट अब वाई की पावर जो फाइव है जी कहां से नजर नहीं आ रहा, जी ब्लिंकिंग हो रही है, क्या हो रहा है, नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या मसला बन रहा है, जी स्टूडेंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आप बताएं मुझे, लास्ट से अब यहां पे पूरा हो गया है ना मेन के, यहां पे तो नजर आ रहा है, तो यहां से मैंने नीचे नहीं लिखा है, मैं उस तरफ लिख रहा हूं इसी वजह से ऊपर लिख रहा हूं कि आप लोगों को कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पे हम लिख रहे हैं इसी वजह से। स्टूडेंट अब वाई की पावर फाइव है, अब वो पावर तो खत्म नहीं हम कर सकते, ठीक है, क्योंकि वाई का क्यूब तो हमने चलो रख दिया, तो वाई की पावर इस तरीके से फाइव तो खत्म नहीं इस तरह से कर सकते, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम पहुंचे हैं जी वाई की पावर फाइव तक, ठीक है, माइनस अगर कॉमन ले लें स्टूडेंट और इसके स्केयर को ओपन कर दें वो वाला जो है, तो आपके पास जो वैल्यूज बनती हैं, अब देखें कि एक्स स्केयर जो है वो इन चीजों में से भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इसमें से भी एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं इस एक्स स्केयर में से और इस वाली एक्स स्केयर में से कॉमन लेके यहां पे लिख दूं तो जो वैल्यू बचेगी स्टूडेंट वो देखिए जरा, मैं एक स्टेप में इसको और करूंगा, फिर मैं एक्स स्केयर कॉमन लेने के बाद माइनस भी कॉमन लूंगा, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैसे मैं लिखता हूं, यहाँ पे बन गया जी वाई की पावर फाइव, अगेन देखिए माइनस टू ए प्लस एक्स है, एक्स के कॉमन ले लें इनमें से, तो ये बन गया माइनस थ्री ए माइनस एक्स, प्लस एक्स के कॉमन है जी, फिर ये बन गया जी आपके पास 2a प्लस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद बटा वाई की पावर 5, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इन दोनों में से x के कॉमन आ रहा है तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया, बची जो वैल्यू वो लिख रहे हैं a प्लस एक्स माइनस थ्री ए माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2a प्लस एक्स। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका स्केयर ओपन कर देना है और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपने सारी ब्रैकेट्स को ओपन करके फिर देखना है कि आपको आंसर क्या आता है स्टूडेंट, तो आप देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये स्टूडेंट बन जाता है माइनस, पहले कॉमन ले रहे हैं यहां पे स्टूडेंट, माइनस यहां पे लिख रहे हैं, ये देखिए टू एक्स स्केयर,
ये मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ही करता हूँ इसको, ठीक है। ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का, मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ। इस तरीके से लिखने में कोई अर्थ नहीं है। ए को जब मैं इससे करूंगा तो ये बन जाएगा थ्री ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस थ्री ए एक्स, ठीक है जी, प्लस बन जाएगा ये आपके पास एक्स स्क्वायर। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसी से तो ये बन जाएगा फोर ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स। स्टूडेंट ये मैंने इसका जो है ओपन कर दिया है स्क्वायर रूट, स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब जो स्टूडेंट प्लस माइनस होते हैं वो प्लस माइनस करते हैं और जो नहीं होते हैं वो ना करें, ठीक है। अब आप लोग अगर देखें ये अंदर मल्टीप्लाई कर दे माइनस को, ठीक है, मैं यहीं पे करने लगा हूं और आप लोग देखिए किस तरीके से, ये मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ ये ओपन, ये मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि ये सारे प्लस के हैं, ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा ये नाम तो हो जाएंगे चेंज, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस एक्स के इससे कैंसिल, ये पूरा बनता है माइनस फोर एक्स, ये पूरा इससे कैंसिल, ये बन जाता है फोर ए स्केयर में से ए स्केयर निकला तो ये बना स्टूडेंट माइनस टू एक्स स्केयर इंटू ए स्केयर बाय वाई की पावर फाइव। रीअरेंज करके लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो टू ए स्केयर एक्स स्केयर बाय वाई की पावर फाइव और यहां पे माइनस आना है। स्टूडेंट ये है जी आपका आंसर। आई होप कि ये एग्जांपल नंबर थ्री जो है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसमें से देखें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जी बाकी स्टूडेंट्स ओके जी, स्टूडेंट तो तकरीबन एक घंटा होने वाला है तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आधा घंटा कुछ और पढ़ेंगे, मेन के एग्जांपल्स करते हैं कुछ और, उसके बाद आप लोगों को आधे घंटे की रेस्ट देते हैं, उसके बाद आप लोग इंग्लिश का लेक्चर लें, उसके बाद टेस्ट वगैरह जो है वो आके दे दें यहाँ पे। अगर आप लोग 10 बजे यहाँ पे आते हैं पूरे तो 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और अगर आप लोग 9:30 तक आ जाते हैं तो 9:30 बजे आके आप लोग टेस्ट रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पे, मेन के 10 बजे मैंने टेस्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये वाला टाइम ठीक है, शाम का जो टाइम है वो बिल्कुल ही जो है ठीक नहीं है जी। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक वाली स्टूडेंट दी गई है एग्जांपल नंबर वन, आई थिंक ये टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पे आके, नहीं हो रहा एग्जांपल नंबर थ्री के बाद, ये कौन सी एग्जांपल इसमें दे दीजिए, वन कैसे दे दीजिए, 71 पेज पे ये मतलब जो है वो एक और तरीका है, इसमें आपके पास x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस साइन थीटा, पता नहीं प्लस है या माइनस है, प्लस है आई थिंक, तो प्लस है जी। तो दो इक्वेशन है जी, दोनों का अलग अलग आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और ये आसान है एग्जाम्पल, मुश्किल नहीं है, तो इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर तक। एग्जाम्पल नंबर फोर है स्टूडेंट, उन्होंने गलती से वन लिखा हुआ, ये स्टूडेंट तो एग्जाम्पल नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं जी। इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ये
स्टूडेंट दो इक्वेशन दी गई हैं जी एग्जांपल नंबर 4 में, और दो इक्वेशन को हम लिखते हैं x is equal to सबसे पहले a into दिया गया है जी आपके पास थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सेकंड इज y is equal to, स्टूडेंट y is equal to आपके पास है a into 1 प्लस cos थीटा, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने करना है y स्क्वायर b d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। इतनी बात की तो समझ आती है कि ये हम फाइंड करेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहां पे y स्क्वायर भी उनको चाहिए, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव के साथ y स्क्वायर को आपने दूसरी साइड पे नहीं लेके जाना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 और 2 का डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का मैं डेरिवेटिव लेता हूं जी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा इनटू a थीटा प्लस sin थीटा। स्टूडेंट क्या बनेगा जी इसका, आप लोग देखें जरा डेरिवेटिव, ये बन जाएगा a थीटा का 1 आ जाएगा और साइन थीटा का क्या होता है जी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी थीटा आपके पास क्या आ गया, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी, ये वैल्यू बन गई। अब दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बनेगा, डी ओवर डी थीटा इंटू ए 1 प्लस cos थीटा। स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0 और a जो है वो आपके पास वैसे आ जाएगा dy / d थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा जी a into 0 minus cos थीटा का होता minus sin थीटा, यानी कि ये आ गया dy / d थीटा is equal to minus a sin थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, चेन रूल अप्लाई करें एक दफा, लेकिन dy / dx चाहिए तो इसको उल्ट करना होगा जी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं d थीटा / dx इज इक्वल टू 1 / a into 1 plus cos थीटा, इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें और आगे बढ़ें जी। यहां पे लिखें dy / dx, पहला डेरिवेटिव अभी नहीं आया हमारे पास, सेकंड हमने फाइंड आउट करना है। तो dy / dx बराबर होगा जी dy / d थीटा डॉट d थीटा / dx। स्टूडेंट dy / d थीटा आपके पास था minus a sin थीटा, और d थीटा / dx आपके पास है 1 / a, ठीक है जी, into 1 plus cos थीटा, ये a a से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो dy / dx स्टूडेंट किसके बराबर आया जी आपके पास, माइनस साइन थीटा / 1 प्लस कोस थीटा, ठीक हो गया, यहां तक आ गया जी। इसको क्वेश्चन नंबर आप 6 का नाम, स्टूडेंट आपको पता है कि हमने d स्क्वायर y / dx स्क्वायर फाइंड करना है और उसके साथ y स्क्वायर भी होना चाहिए। अगर मैं इसी का डिफरेंशिएट ले लूं यहीं पे तो स्टूडेंट क्या आएगा देखें जरा, ये बन जाएगा d स्क्वायर y / dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin थीटा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा आपके पास, हम कैसे इसको लिखेंगे, मतलब ये बटे के अंदर भी मौजूद है और इस तरीके से, तो इस तरह का जो डेरिवेटिव होता है हम उसको कैसे लिखते हैं, हम इसका डेरिवेटिव सिंपली तौर पे लिखेंगे जैसे हम आम तौर पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं, यहां पे भी क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास वो वैल्यू कैसे बनेगी कि हम y स्क्वायर भी बना सकें इससे। तो स्टूडेंट परेशान नहीं होना, आगे जाके ये वैल्यू बनेगी, चूंकि y बराबर था a into 1 plus cos थीटा, अगर तो a की वैल्यू यहां पे बन जाती है तो वेल, अगर नहीं बनती है तो वो हम किसी तरीके से बनाते हैं यहां पे।
स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, ठीक है। यहां पे आ गया जी माइनस, ये आ गया जी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा वैसे आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये आ गया जी साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा वैसे आ गया, और यहां पे आ गया जी डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा। स्टूडेंट आप देखें हमारे पास ये आ गया जी माइनस, डेरिवेटिव होता है साइन थीटा का, क्या आएगा जी आपके पास साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव किसमें आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके पास ये बनता है जी 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा का कॉस थीटा, अगेन अंदर वाले का डेरिवेटिव लिए तो वो बनते ही नहीं है, माइनस साइन थीटा, और इसका बनेगा जी माइनस साइन थीटा भी है, ठीक है, बट आपके आ गया जी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको देखिए, जो मल्टीप्लाई चीज होती है मल्टीप्लाई कर दे, जो नहीं होती है उसको रहने दें। तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जी कोस थीटा, यहाँ पे माइनस एक साइड पे रहने दें, ठीक है, इस तरीके से लिख लें। तो ये बन जाएगा जी आपके पास कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई क्या आ गया जी 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। स्टूडेंट आई होप कि यहां तक आप लोगों को कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साथ में आप चूंकि डी ओवर डी एक्स कर रहे हो, ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे हो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहां पे थीटा था तो आपने लाजमी तौर पे यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स लिखते जाना है। स्टूडेंट ये आपने गलती नहीं करनी है, डी ओवर डी थीटा लाजमी लिखते जाना है यहां पर, ठीक है, चूंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे थे, हम लिख सकते हैं यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स, एक्स के रिलेटिव कर रहे हैं लेकिन कर हम थीटा कर रहे हैं, तो यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स आता रहेगा, तो ये आ गया जी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इनको सेपरेट करना है, सेपरेट कैसे करना है जी, डी एक्स बाय डी थीटा, ये देखिए ये किसके बराबर है, ये बराबर है a इंटू वन प्लस कोस थीटा के, ठीक है, यहां पे ये वैल्यू आपने पुट करनी है। तो अगर आप देखें इस चीज की जगह ये चीज बराबर होती है वन के, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस यहां पे माइनस आ गया कोस थीटा प्लस वन आ गया बटा आ गया वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर, और यहां पे डी थीटा बाय डी एक्स का आंसर स्टूडेंट कहां पे है, ये देखिए ये आ गया 1 बाय a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए अब वैल्यू जो है आप लोगों के पास आ गई है वो वाली a वाली, ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दें और जो नहीं होती हैं वो रहने दें। तो आपके पास देखिए कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, जो 1 प्लस कोस थीटा स्टूडेंट वो बराबर होता है y बाय a के, ठीक है, यहां पे उसने क्या किया जी 1 बाय a को साइड पे ले गया, ये चीज आ गई आपके पास, और ये 1 प्लस कोस थीटा उस 1 प्लस कोस थीटा से कैंसिल, यानी कि ये चीज ऐसी है तो ये कैंसिल हो जाएगी इससे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट d स्क्वायर y बाय dx इज इक्वल टू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय a डॉट, ये आ जाएगी 1 बाय 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट यहां तक नजर आ रहा है आपको, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, चले मैं आगे लिख देता हूं इसको, मैं इरेज करता हूं यहां, ठीक है, इतना तो आ रहा है, आगे मैं लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज करके आगे लिखता हूं यहां पे। ये स्टूडेंट क्या बना जी आपके पास, जरा देखें
डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन बाय ए माइनस में, ठीक है, और साथ में आगे वन बाय वन प्लस कोस थीटा का स्केयर। अगर आप लोग यहां पे देखें तो ये y बराबर है a इंटू वन प्लस cos थीटा के, ठीक है। तो अगर हम यहां पे a का स्केयर ले तो कैसे आएगा स्केयर, क्योंकि स्केयर चाहिए ना इसको, तो ये तो स्केयर में है तो ये भी स्केयर में चाहिए, तो y स्केयर बनेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या करना है, ऊपर इसे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इससे ये बन जाएगा 1 बाय a स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। ऊपर है जी आपके पास a, ये बन गया जी d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब ये चीज जो है, अब देखिए ये इससे मैच कर रही है, ये बन जाएगा जी d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a बाय y स्क्वायर। y स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो y स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू a बन जाएगा। ये माइनस में आ रहा है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आ गया जी माइनस में जी स्टूडेंट। तो ये चीज हमने साबित कर ली थी कि ये किस चीज के बराबर आता है। अगर मजीद आप एक और सर्फ लेके जाते हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने y स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का आंसर फाइंड करना था, वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें, सैंपल नंबर 5 कोशिश करें कि आप लोग खुद कर लें, ये मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स देख लें कि ये कर सकते हैं आप इजीली। अगली एग्जांपल देखते हैं जी, 6 वाले की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें उसने क्या कहा। स्टूडेंट ये थोड़ी सी है आपको जो है करवाने वाली, ये उसने y is equal to e की पावर माइनस ax के बराबर दिया हुआ है और हमने d क्यूब y by dx क्यूब फाइंड करना है और साथ में आपके पास a क्यूब y भी आना चाहिए। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल जो है वो इतनी लंबी नहीं है, ठीक है, करते हैं जी इसको सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, हमारे पास वैल्यू बराबर हो y is equal to e की पावर माइनस ax, तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, हमने फाइंड करना है कि d क्यूब y बटा dx क्यूब a क्यूब y is equal to 0। स्टूडेंट ये हमने साबित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, जो इक्वेशन हमें दी गई है ये वाली, तो ये बन जाएगा dy by dx is equal to, अब यहां पे देखिए कि पावर के ऊपर जो है वो फंक्शन है, मीन के फंक्शन पावर में है। तो इस तरह से जब होता है तो स्टूडेंट हम इसको कैसे लिखते हैं, ये रकम वैसे आ जाती है और डेरिवेटिव लेते हैं पावर का, यानी कि e की पावर माइनस ax आ जाएगा और डेरिवेटिव लेते होते हैं हम पावर इस तरीके से, ठीक है जी। अब जो है आप लोग देखिए कि हमारे पास क्या आएगा, x का वन आ जाएगा तो ये बचा आपके पास dy by dx is equal to e की पावर माइनस ax इनटू माइनस a।
मजीद हल करें तो माइनस ए ए की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट ये फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका, ठीक है। तो मजीद अगर आप इसको करना चाहते हो रीअरेंज कर सकते हो, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये ठीक था। अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए और ये चीज वाई के बराबर थी तो आप लिख सकते हो वाई, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसी तरीके से आपने सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड लेना है। लेते हैं जी इसका सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट देखिए जरा कि आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा तो ये बन जाएगा डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए y, ठीक है, y का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 होता है तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा जी माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट यहां पे क्या बनेगा जी आपके पास यही वैल्यू बनेगी जी। स्टूडेंट तो मजीद अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए कि y की जगह इसकी मैं दोबारा वैल्यू अगर पुट करूं तो ये क्या बन जाता है जी आपके पास y की जगह उसकी वैल्यू पुट करने से, बल्कि y की जगह वैल्यू ना पुट करें आप लोग इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें तो वो था माइनस ए वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस ए इन टू, ये देखिए माइनस ए वाई है तो ये बन जाएगा ए स्केयर वाई, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। स्टूडेंट अब हमने करना है जी इसका थर्ड डेरिवेटिव, और लेते हैं जी थर्ड डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्केयर वाई है स्टूडेंट तो इसका डेरिवेटिव लेंगे जब तो ए स्केयर वाई का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहां पे आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की अगेन वैल्यू पुट करें तो यहां पे क्या आ जाते जी आपके पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पे पुट करें माइनस ए वाई तो ये बन जाएगा माइनस ए क्यूब वाई, ये बराबर है जी डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लस था प्लस लगा है यहाँ पे ये उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स के क्यूब आना जी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट ये हमने चीज जो है वो फाइंड आउट कर ली थी वो हमारे पास जो है वो आ चुकी। आई होप स्टूडेंट की एग्जाम्पल नंबर 6 भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 6 में तो बता दें इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखते हैं कितने एग्जाम्पल रह गए हैं और फिर जो है वो एग्जाम्पल नंबर 7 है लास्ट वाली एग्जाम्पल रह गई है। वैसे तो ये आसान है लेकिन अगर आप लोग कहते हो तो मैं करवा देता हूँ। इसमें हमने क्या फाइंड करना है जी, हमने फाइंड करना है y आपके पास है साइन इनवर्स x बाई ए के, तो हमने शो करना है कि y स्क्वायर बराबर है जी किस चीज के भला x इंटू ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर है जी माइनस 3 बाय 2। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करना है, अगर आप लोग ये स्टूडेंट कर सकते हो तो वेल, नहीं कर सकते तो मुझे बता दें मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। बहुत आसान एग्जांपल है, हमने क्या करना है जी वाई स्केयर जस्ट फाइंड करना है, इसमें डी वाई डी एक्स वाला काम खत्म हो जाना है, मीन के एंड पे डेरिवेटिव रहना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फिर वाई जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को y2 कहते हैं, तो y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है
यहाँ पे हमें डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे जी स्टूडेंट। 2.7 तक अभी हुआ है काम, तो देखते हैं कि आगे कितने एग्जाम्पल्स रहती हैं हमारे। तो आगे मैकलन थ्योरम जो है वो स्टार्ट होता है, तो दो एक्सरसाइजेस अभी पड़ी हुई हैं और एग्जाम्पल देखते हैं जी। 1, 2, 3 जी, 4, 4 उसके बाद आती है जी 1, 2, 3 प्रूफ भी आ रहे हैं जिसमें 2.8 तक ये हो गई, तो 7 से 8 तो ये आ गई जी आपके पास। फिर अगेन 1, 2 थ्योरम भी है इसमें, यानी कि स्टूडेंट कल का काम अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज वैसे कितनी है जी, आगे ग्राफ वाली भी आ रही है, रिलेटिव एक्सट्रीमा भी, तो वो भी देख लेते हैं कि उसकी एग्जांपल्स कितनी है। तो उसके बाद अगेन 1, 2 मेथड है उसके, 2 है आगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ अभी, कल इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसको जो है कवर करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह पूरे यूनिट को, सेकंड को। और ये काम ऐसे ही चलता रहेगा सुबह टाइम इंशाल्लाह मैथ का, और बाकी काम जो है फिजिक्स का आपका ख़त्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लिए हमने, केमिस्ट्री का भी हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम है मैथ के रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो चूँकि आप लोग नहीं पढ़ रहे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो भी बता दें मुझे। आई थिंक कि कंप्यूटर का जो है मैंने वो सारे प्रॉब्लम्स करवा दिए आपको, तो बार बार उनका टेस्ट भी हो चुका, सिर्फ टेंशन है तो मैथ की है। अब थर्ड यूनिट जो करना है वो मेरे ख्याल के मुताबिक उसको हम लास्ट यूनिट मानते हैं अगर आप लोग कहते हो, वरना हम इंशाल्लाह 4 भी कर लेंगे, और 4 ही रह गया, 5 तो आप लोगों ने आई थिंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। 4 अगर आप लोग कहेंगे तो करवा दूंगा, वरना 3rd पे जो है हम इसको बाइंड अप करेंगे। स्टूडेंट ये डेरिवेटिव वाला यूनिट करवाने का मेरा मकसद ही ये था कि 3rd वाला आप लोग इजीली कर पाएं। आई होप स्टूडेंट कि ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की होंगी, जो मैंने छोड़ी हुई है एग्जांपल वो आप लोगों ने घर भी की होंगी, अगर नहीं की तो टाइम निकाल के लाजमी करें, ठीक है। तो ये ना सिर्फ आप लोगों की ये इस तरह से रिवीजन हो रही है, बल्कि जब आप लोग जो एग्जांपल मैं छोड़ता हूँ ना यहाँ पे जस्ट वही कर लेते हो, तो ये आप लोगों के लिए डबल फ़ायदा हो जाता है। डबल फ़ायदा इस तरीके से कि एक तो मैं आप लोगों को जो मुश्किल लग रहा है वो फौरी तौर पे समझाई जा रहा हूँ, जो आप लोगों को मुझे लगता है कि ये आप लोग कर लेंगे वो आप लोग अगर खुद कर लेते हो, तो ना सिर्फ ये पेपर्स की जो हम टेस्ट लेने जा रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बल्कि आपकी पेपर की तैयारी जो एग्जामिनेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, यानी कि उसमें भी आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कोशिश किया करें कि आप लोग लाजमन जो है वो किया करें, जो एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये आप लोग खुद कर लेंगे, कर लेने का मतलब ये नहीं कि हो जाएगी बस की आसान सी है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग उसको करें बाय हैंड, ठीक है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ये मैथ में आपके इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरे मार्क्स आने चाहिए, ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन बहुत मार्क्स देती है, और ज़्यादा पार्ट इसी में से आता है, मैंने आपको कहा था पहले शुरू में भी, जिसको सेकंड और थर्ड यूनिट आ गया वो फेल नहीं होता है, कभी भी फेल नहीं होता है जिसको पहले 2 यूनिट आते हैं, ये वाले सेकेंड और थर्ड आता है। पहला तो खैर एक सिंपल सा है, एलिमेंट अप्लाई करनी है उसमें, तो वो तो बड़ा सिंपल सा है। तो ये पहले 3 यूनिट अगर आप जो बंदा कर लेता है, मेरे ख्याल के मुताबिक 70 मार्क्स तक तो वो स्कूल से ले जाता है, ठीक है। अब 30 मार्क्स का तकरीबन रह गया, 30 से लेकर 35 नंबर का, तो वो आपका अगले पोर्शन में से आता है, 4, 5, 6 में से। तो इस तरीके से आपके पहले 3 यूनिट मैंने करवाने हैं, पहले मैंने करवाया पहला 6 भी करवाया, वो भी आप लोगों को आई थिंक आता होगा। इसके बाद सेकंड करवा रहा हूँ, सेकंड का कल इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर है, कल हम वाइंड अप करेंगे इसको। कोशिश किया करें कि जो मैं कहता हूँ यहाँ पे लाजमन कर लिया करें,
तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी थर्ड। थर्ड के बाद देखते हैं कितने हमारे पास जो है वो बनते हैं, उसकी एग्जांपल्स कितनी बनती हैं। अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो उसी तरह से हम थोड़ी बहुत स्किप करेंगे ताकि वो आप लोग खुद करें। बाकी रही बात यूनिट नंबर फोर की, तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि वो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि वो करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए, तो इंशाल्लाह तो वो भी करेंगे। और जो है वो बाकी मेरे ख्याल के मुताबिक फिफ्थ यूनिट आसान है, वो अगर आप लोगों ने स्किप किया हुआ है पेपर में मतलब स्कीम के अकॉर्डिंग, तो वो फिर रहने दें, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से करें, जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ बहुत अच्छे से करें, जो चीज़ मैं स्किप करवा रहा हूँ, स्किप से मुराद मैं कह रहा हूँ कि आप लोग खुद करें, तो वो आप लोग लाजमन करें उसे, ठीक है जी, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल फिर 6 o'clock, ठीक है जी, सुबह के 6 बजे इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे दोबारा से मैथ का, कल वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे जी, ठीक है जी। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप लोग, कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो लाजमन तौर पर कमेंट करें, उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें, जल्दी करें जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन बहुत करने हैं जब मैं मतलब टेस्ट लूँगा ना इनके, अगर आप लोगों को कोई ना उसमें से क्वेश्चन में कोई गलती की या मतलब ना किया हुआ मैंने चेक करना है, तो फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग लाजमन करते हैं, अब थोड़ी सी जो है स्ट्रिक्टनेस की तरफ आना है टेस्ट में, उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों का जो पिछली दफ़ा जो जिस तरह से आप लोगों ने पेपर किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने किस तरह की है, आप लोगों ने खुद से टेस्ट दिए अपनी मर्जी के मुताबिक, जो दिल किया वो टेस्ट दिया, लेकिन इस दफ़ा मैं आप लोगों को जो कल शेड्यूल बनाया है ठीक है उसी के अकॉर्डिंग लूँगा, लेकिन टेस्ट इंशाल्लाह थोड़ा जानदार होगा, तो आप लोगों ने जो है अच्छे तरीके से करनी है जो भी चीज़ करनी है। अब देखिए आपके पास सारा दिन होता है, 9 बजे तक आपके लेक्चर हैं, तो 9 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे 2 घंटे तकरीबन जो है सर्व करेंगे, लगा लें 12 बजे, तो 12 बजे से अगर आप लोग यहाँ से छुट्टी करते हो तो आप लोगों को 2 घंटे रेस्ट करें, ठीक है, 2 घंटे रेस्ट करें, तो 2 बजे उठ के जो है वो आप लोग नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आप लोगों के पास तकरीबन काफ़ी टाइम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और जब आप लोग 2 बजे के करीब जो है वो आप लोग नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे, तो असर तक के टाइम में आप लोग बहुत काम कर सकते हो, असर के बाद जो है वो तकरीबन टाइम थोड़ा होता है मगरिब तक का, तो मगरिब और असर के दरम्यान का तो टाइम तो काफ़ी होता है, एक आध बुक किताब पकड़ लें, थोड़ा सा कोई आधा पौना घंटा उसको दें, और उसके बाद जो है वो फिर काम शाम है तो वो करें, बहुत टाइम बचा हुआ है। और जो नमाज का वक्फा आ रहा है ना उसमें असर में, वो आप लोगों के लिए रेस्ट है, मीन की एक ब्रेक है, ठीक है, वो आप लोग सुकून से ब्रेक जो है ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।